वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल विजन। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूपीपीसीएल जेई री एग्जाम में कोर्ट केस चल रहा है और ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। आज हम लोग बात करेंगे यूपीपीसीएल कोर्ट केस में लेटेस्ट अपडेट की और जानेंगे कि 22 नवंबर 2018 को जो हियरिंग हुई थी तो उसमें क्या क्या हुआ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे चैनल को देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग अभी सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप भी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को आप अभी लाइक करिए क्योंकि ये वीडियो आपको पसंद आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर आपने मेरी लास्ट की वीडियोस देखी होंगी जो यूपीपीसीएल में जो स्टूडेंट मूवमेंट चल रहा है उस पे बेस्ड थी तो आपको ये पता होगा, मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि यूपीपीसीएल में जो लास्ट जो हियरिंग हुई थी उसमें नॉर्मलाइजेशन कैसे किया गया है और किस बेसिस पे किया गया है और कौन से फॉर्म में किया गया है। इसके लिए यूपीपीसीएल ने एक हफ्ते का वक्त मांगा था 7 डेज का रिटर्न में देने के लिए। तो बात करें अगर 22 नवंबर को क्या हुआ तो 22 नवंबर को जो वक्त मांगा गया था वो वक्त उनको मिला था। उसके बाद जो फॉर्मूला था वो जज के सामने पेश किया गया लेकिन जज को कुछ समझ में नहीं आया फॉर्मूला कि किस हिसाब से इन्होंने किया है। तो इस पर कोई आगे बहस हो नहीं पाई और यूपीपीसीएल से कहा गया है कि आप काउंटर फाइल अपना करिए, मीन्स कि आप एफिडेविट के साथ आप ये बताइए कि किस तरह आपने क्या किया है और कैसे आपने ये नॉर्मलाइजेशन किया है और कैसे आपने स्टूडेंट को सेलेक्ट किया है। तो इसके लिए जो यूपीपीसीएल है उन्होंने, उनके जो वकील हैं उन लोगों ने वक्त मांग लिया 3 हफ्ते का। तो 3 हफ्ते का वक्त कोर्ट ने ग्रांट कर दिया है और अब जो नेक्स्ट जो सुनवाई होगी वो 3 हफ्ते के बाद होगी। और इस 3 हफ्ते में ये यूपीपीसीएल जो है वो काउंटर फाइल करेगा, मीन्स जो एफिडेविट पर जो लिख करके बताएगा कि कैसे कैसे क्या हुआ और किस बेसिस पे इन्होंने लोगों की ज्वाइनिंग कराई है। बात करेगा ज्वाइनिंग की तो ज्वाइनिंग तो हो ही रही है, ज्वाइनिंग हो ही जाएगी लोगों की, लेकिन ज्वाइनिंग में जो क्लॉज लगा दिया गया है कि ज्वाइनिंग इज अंडर सुपरविजन ऑफ हाई कोर्ट, मीन्स जो ज्वाइनिंग होगी वो हाई कोर्ट के जो दिशा निर्देश है उसका जो केस चल रहा है केस का जो फैसला आएगा उस पर बेस रहेगी। तो ये देखने वाली बात होगी कि इसका फैसला कब आता है क्योंकि कोर्ट केस तो बहुत लंबे चलते हैं। अब देखिए इस केस का क्या होता है। आप लोगों को क्या लगता है कि इस केस में कब आएगा रिजल्ट ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट करें और UP SSC की आपकी तैयारी कैसे चल रही है आप इस पर भी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप UP SSC के लिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के MCQs देखना चाहते हैं तो वो मैंने पहले ही बना रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के MCQs आपको देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो देखे होंगे और आपको लास्ट की वीडियो भी पसंद आई होगी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाली। अगर आपने नहीं देखी है तो आप अभी देखिए और UP SSC की अच्छे से अच्छी तैयारी करिए। तब तक के लिए गुड बाय।